हेलो हेलो एडिटर्स, तो मैं आ चुका हूँ आपकी एक और तगड़ी वीडियो के साथ। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम के अंदर आजकल एक बहुत ज़्यादा वायरल रील चल रही है, उसमें होता क्या है, मतलब जो भी मतलब दो कैरेक्टर होते हैं ना, लड़का लड़की, तो लड़की का कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट होता है या फिर लड़के का कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और वीडियो अच्छी तरीके से चलती है। तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो वायरल रील है वो आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा, और वो जो इंस्टाग्राम मतलब जिस पेज ने डाला है उस पेज का नाम है 316_पैराडाइज करके। तो वो भाई ने मतलब कैसे बनाया है मेरे को नहीं पता, शायद तक मेरे को पता है कि पीछे ही बनाया होगा, पीछे से ही बनाया होगा, बट अगर पीछे से नहीं बनाया तो लाइट मोशन में तो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। और अगर हम कैपकट में बनाने जाएंगे तो कैपकट में थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू PC एंड अलाइट मोशन। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। तो आपको ना दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो है हमारा कैपकट एंड दूसरी तो है हमारा VPN। तो सबसे पहले आपको ना कोई भी VPN पे आपको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही VPN के अंदर कनेक्ट करके रखा है। तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार भाई आप कौन सा VPN यूज़ करते हो, तो भाई पता नहीं मेरे को, ये है सिक्योर VPN करके। तो ये वाला VPN जस्ट डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर के अंदर से और इसको कनेक्ट कर लेना, लाइक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसको मैंने बंद कर दिया। अब बारी आती है कि कैपकट की, तो कैपकट देखो यहाँ पर मैंने कल ही इस कैपकट को ओपन मतलब कल ही इस कैपकट को इंस्टॉल किया, और इस कैपकट का वर्जन देख लो 7.6.0, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला नहीं है। लेटेस्ट वाला मैं आपको टेलीग्राम पर शायद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इंटरफेस आएंगे। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस लो कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे इंटरफेस आ गए, ठीक है। और मेरा आवाज़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको सिंपल टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करोगे ना तो सिंपल यहाँ पर आपको ना अपनी जो क्लिप है ना वो ले लेनी है। लाइक आपको क्लिप कैसे कट करते हो वो तो आपको आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक एंड दो एंड ये तीन मैं क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सारा तो बनाना है नहीं। तो यहाँ पर मैं ना देखो तीन क्लिप ले लिए, तो चलो ना सुशांत सिंह वाली को पहले ले लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड में अच्छा लगे कि भाई नहीं यार वही वीडियो हम सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये होगी, तो सबसे पहले ना आपको साउंड वगैरह ऑफ कर लेना है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये है। अब आपको क्या करना है, एज मतलब सेम टू सेम आपको ना नीचे मिलेगा ओवरले, ठीक है, ऊपर टैप करना है, ऐड ओवरले पर टैप करना है। यहाँ पर आपको सिंपल वही वाली क्लिप को आपको ऐड करना है, जस्ट एक दो एंड तीन सिंपल ऐड कर लिया। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो दूसरी है ये है सनम तेरी कसम की, एंड दूसरी है तीसरी है हमारी शिद्दत की। तो हमने सिंपल टू सिंपल हमने रख दिया इसके ऊपर, एंड ये एंड स्क्रीन है, इसको डिलीट करना है। देखो ये रख लिया। अब आपको क्या करना है, पहली वाली जो क्लिप है ना वो छोटी होगी, ठीक है, तो उसको ना आपको बड़ा कर लेना है, लाइक अपनी फ्रेम के हिसाब से कुछ इस तरीके से। दूसरी वाली को भी आप बड़ा कर सकते हो, एंड सिंपल तीसरी वाली को भी ऐसा कर लेना है, दोनों थंब से आपको कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है पहली वाली क्लिप के ऊपर, सॉरी यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पे ही रहना है, एंड सिंपल लेयर के ऊपर टैप करना है। एंड लेयर के ऊपर टैप करोगे ना यहाँ पर आपको आना है पीछे, यहाँ पर आपको मिलेगा कटआउट, सिंपल एक बार टैप करना है, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन कटआउट मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है। एंड सिंपल आपको ना एक बार स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपका जहाँ पे भी मतलब आपको कोई सा भी कैरेक्टर यूज करना है, लाइक यहाँ पर मैं सुशांत सिंह राजपूत को ना ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ब्रश को कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ना एक बार सुशांत सिंह राजपूत पर टैप करना है, लाइक इस तरीके से। जिस एक बार टैप करोगे ना तो यहाँ पर ना ये पार्ट है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा लाइक, एंड आपको ना फिर से एक बार टैप करना है, यहाँ पर आपको टैप करना है इसके शोल्डर पर। देखो यहाँ पर आप शोल्डर पर टैप करोगे ना तो ये कुछ हो सकता है, तो आपको ना इसको रिमूव कर लेना है लाइक। तो आपको ना अच्छे तरीके से इसको ना सेट करना है, देखो मतलब अच्छे तरीके से टैप करोगे ना तो ये हो जाएगा। तो आपको ना इसके हैंड को भी लेना है, तो आप इसके हैंड को भी थोड़ा सा कर लेना है। देखो यहाँ पर इसका हैंड भी हो गया, अब यहाँ पर थोड़े से बाल बचे हैं, तो थोड़ा सा बाल को भी मैंने यहाँ पर टैप कर लिया, एंड यहाँ पर थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट भी बचा है तो मैंने इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो कि रिमूव बैकग्राउंड हो रहा है, ये इसको 100% होने देना है, तो आप इसको 100% होने देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ,
एंड आप लोग देख सकते हो कि पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारा, वो एकदम से सिलेक्ट हो गया, मतलब अच्छी तरीके से हो गया हमारा पहली बारी में। तो देखो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव है वो भी अच्छी तरीके से हो गया। तो यहाँ पर आपको सिंपल राइट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है, सिंपल बैक आना है। सिंपल बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एडजस्ट मिलेगा, तो एडजस्ट पे आपको टैप करना है। सबसे पहले सिचुएशन को माइनस कर लेना है पूरा का पूरा। एंड यहाँ पर आपको ना ब्राइटनेस को थोड़ा सा ले लेना है माइनस में 3%, और शार्पन को यहाँ पर आपको 100% कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो पहला जो क्लिप था वो हमारा एकदम से हो गया रेडी। देखो आप ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। अब यहाँ पर आपकी बारी आती है दूसरे वाले क्लिप की। सिंपल आपको वही चीज़ करना है, कटआउट के ऊपर आना है, कस्टमाइज के ऊपर आना है। एंड सिंपल आपको जो ब्रश मिल रहा है उस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको ना ये इसका नाम क्या था यार, सरस्वती शायद है ना, तो इसके ऊपर आपको एक बार टैप करना है। जैसे एक बार टैप करोगे ना तो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, देखो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर है ना इसका शोल्डर बाकी रहेगा, तो आपको शोल्डर के ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे ना तो यहाँ पर शोल्डर भी हो जाएगा। देखो दो बारी में आपका ये पूरा का पूरा कैरेक्टर था, लड़की का कैरेक्टर, वो एकदम सिंपल सिलेक्ट हो गया। सिंपल आपको राइट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको ये जो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है ना 40%, उसको यहाँ पर आपको होने देना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे का जो प्रोसेस है वो करना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड रिमूव होने में टाइम लेता है। अगर ये एक बार ग्लिच कर गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो देखो ये 100% हो गया। अब यहाँ पर आपको सिंपल वही चीज़ करना है, एडजस्टमेंट में आना है। एंड यहाँ पर आपको ना करना क्या है, सिचुएशन को माइनस कर लेना है, ब्राइटनेस को थोड़ी सी लो कर देना है, और शार्पन को फुल कर लेना है। और यहाँ पर ये जो आपका दूसरा वाला क्लिप था वो भी यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर मैं अभी शिद्दत वाला करना सिखा देता हूँ। और देखो ये वाला बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लोग हग कर रहे हैं ना, इसके पीछे का ये हाथ है ना लड़के का, भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ये। तो मैं इसको भी आपको बनाना सिखा देता हूँ, थोड़े सा मेरे से भी नहीं हो पाएगा तो देख लेना आप लोग कैसे क्या होता है। कटआउट पे आपको टैप करना है, कस्टमाइज पे टैप करना है, यहाँ पर आपको ब्रश ले लेना है। सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ना हैंड लेना है, हैंड या फिर शोल्डर, ठीक है। इस पर एक बार आप टैप करोगे ना तो देखो ये आधा तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना ये जो जो लड़की का हाथ है ना इसको आपको नहीं आने देना, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले ना हम इसका ना बॉडी लेते, मतलब सिर का पार्ट है वो ले लेते हैं। देखो फिर भी ये नहीं हो रहा, तो हमको क्या करना है, सिंपल बैक आना है। एंड आपको ना फिर से एक बार ट्राई करना है पीछे का बॉडी जो है ना उस पर लेने का। ये वो एक बार वो आ जाएगा ना, देखो ये आ गया। अब यहाँ पर आपको ना नीचे का पार्ट ले लेना है भाई, हो जा। हाँ देखो नीचे का पार्ट भी आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शोल्डर टू शोल्डर लेना है। तो शोल्डर के ऊपर एक बार आपको जरा सा टैप करना है, जरा सा टैप करना है। देखो ये शोल्डर भी आ गया। अब यहाँ पर आपको ना ये जो नीचे का पार्ट है ना शोल्डर के नीचे का, इस पर आपको एक बार टैप करना है, जस्ट इतना आपको टैप करना है भाई, हो जा। देखो अब ये टैप करने के बाद देख सकते हो कि ये जो लड़की का हाथ भी आ रहा है। तो आपको ना इसको अनसेलेक्ट करना है, मतलब इसको ना रीडू करना है। और आपको ना सिंपल फिर से एक बार इसका जो ब्रश का साइज है ना इसको थोड़ा सा डिक्रीज करना है। एंड फिर से आपको ना एक बार हाथ लगाना है, तब टच करना है। देखो फिर भी ये नहीं हो रहा, तो आपको सिंपल एस मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक ही बार में ये कर लेना है। हाँ देखो ये करने के बाद देखो अब भी हुआ ये। अब आपको क्या करना है, आपको ना इसका सिर और इसका हाथ और इसका पीछे वाला हाथ को करना है। तो आपको ना एक बार सिर के ऊपर आपको ना एक बार टैप कर लेना है, मतलब कर लेना ये। तो देखो ये सिर भी हो गया। अब यहाँ पर इसका हाथ बचा है भाई, हाथ भी हो जाएगा शायद। हाँ तो देखो ये हाथ भी हो गया। अब यहाँ पर पीछे ये एक हाथ है, तो इसके ऊपर जरा सा ये आपको टैप करना है भाई, हो जा। देखो ये पीछे पीछे का हैंड है ना भाई, वो ही एक मगज मारी है, वो अच्छे तरीके से हो गया है ना। देखो ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा वाइप करके। तो वाइप करके जो मिलेगा ना इस पर आपको ना एक बार टैप करना है। यहाँ पर आपको जो मतलब ये जो रेड कलर का जो बाकी का पार्ट है ना उसको आपको रिमूव करना है। तो उसको लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है, आपको ना ऊपर की साइड मिलेगा ये ना, थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेना है, लाइक इतना इतना रिमूव कर लिया आपने। और यहाँ पर भी ऊपर की साइड आपका जो यहाँ पर हैंड है ना वहाँ पर आपको ना इसको ले लेना है,
लाइक इतना आपको ना थोड़ा सा रिमूव कर लेना है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो इतना, हाँ तो इतना लेने के बाद ये भी गायब हो जाएगा, मतलब ये जो रेड कलर का पार्ट है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे जो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है उसको होने देते हैं, फिर आपका जो फाइनल टच है वो आपको आ जाएगा, इसको होने देते हैं। ठीक है, 40% हुआ ये, इसको 100% होने देते हैं। तब तक यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग प्रोसेस है ये। आप लोगों को लगता होगा कि यार वीडियो में दिखाता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल, पर ऐसा नहीं होता। और ये मतलब फाइंड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, वैसे हम लोगों का तो रोज़ का है, बट फिर भी यार टाइम तो लगता ही है। तो यार लाइक कर देना वीडियो को। देखो ये 80% हो गया, जल्दी से हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैं ना वीडियो के अंदर थोड़ा सा हो जाएगा मेरे से ऊपर नीचे, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि कैसे क्या करना है, तो थोड़ी बहुत मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना यार, क्योंकि सब परफेक्ट वीडियो में दिखाना तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सिंपल बैक आना है, एडजस्ट पर आपको टैप करना है, शार्प पेन को फुल कर लेना है, यहाँ पर आपको सिचुएशन को माइनस कर लेना है, एंड जो ब्राइटनेस है उसको भी थोड़ी सी माइनस कर लेना है। एंड आप लोग देख सकते हो कि आपका ना ये शिद्दत वाला भी कैरेक्टर एकदम अच्छी तरीके से लग रहा है। थोड़ा बहुत इसका ना मतलब हैंड वगैरह में मेरे से गलती हो गई है भाई, क्या होगा ये। हाँ तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया, थोड़ी सी मेरे को शिद्दत वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो यार आप लोग समझ सकते हो कि नहीं हो सकता भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम लेके वो बना देना। यहाँ पर ऐड ऑडियो पर आपको टैप करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है, यहाँ पर आपको अपनी जो रील वगैरह है उससे ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, आपको मतलब कोई डायलॉग वगैरह लिखना है या फिर जैसे भाई ने लिखा था वो लिखना है, तो टेक्स्ट पर आपको टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। एंड यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको कॉपी करके रखा था भाई, हो जा, तो मैंने पेस्ट कर लिया। एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट पर आपको टाइप करना, इंपोर्ट फ़ॉन्ट पर चले जाना है, यहाँ पर आपको ये वाले फ़ॉन्ट ले लेने हैं। आपको ये वाले फ़ॉन्ट मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे बाकी मटेरियल के साथ। सिंपल राइट पर टाइप करना है, इसको छोटा कर लेना है। एंड छोटा करने के बाद आपको जहाँ मर्जी वहाँ रख लेना है कुछ इस तरीके से, एंड इसको एंड तक ला देना है। अब एंड तक लाने से पहले यहाँ पर आपको ना इसके अंदर क्या करना है, सीसी करना है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है सिंपल बैक, यहाँ पर आपको आना है इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीसी आपको कौन सी करनी है। तो एक ही सेकंड रुको। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको आना है फिल्टर के अंदर एंड बहुत आगे चले जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक टैन करके, इसको ले लेना है। यहाँ पर आपको ना इसकी जो जो सेटिंग्स है ना, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कर लेना है 90। 90 करने के बाद इसको ना आपको स्टार्टिंग से लेके एंड एंडिंग तक ला देना है। और यहाँ पर आपको आना है बैक, एडजस्टमेंट पर आपको टैप करना है, सिचुएशन को थोड़ा सा ना ज़्यादा कर लेना है। भाई ये शिद्दत वाली क्लिप को क्या हो गया भाई, ये इतना क्यों हो रही है। शार्प पेन को कर लेना है फुल, और कॉन्ट्रास्ट को कर लेना है 2 या 3%, और एक्सपोजर को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लियो। एंड राइट पर टैप कर देना है, एंड इसको ना आपको एंड तक ला देना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो क्लिप है वो कैसे लग रही है, देखो लग रही है कि नहीं है भाई के जैसी, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बट यार वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होता है। और ये देखो आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा अक्लमंद हो तो आप लोगों को पता चली जाएगा कि क्या क्या करना है। तो होपली कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सिंपल यहाँ पर आपको ना इसको ना 60 FPS कर लेना है, एंड इसको सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। तो यार होप कि आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसकी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Where are you? You're still